हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मेरा नाम है सुतवारी और आप सभी का स्वागत है इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ठीक है गाइज, ये आपका अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन टाइम, जहां पर आपको डेली जो भी करंट अफेयर अपडेट्स होते हैं उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड किए जाते हैं। और ये वीडियो किसी इवेंट से रिलेटेड, किसी स्कीम, कैंपेनिंग, पोर्टल, इनिशिएटिव, इंटरनेशनल या नेशनल अपडेट्स, किसी रिपोर्ट या इंडेक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10 मिनट में किसी एक टॉपिक पर आपको एग्जाम रिलेवेंट डाटा प्रोवाइड किया जाता है। और ये जितने भी वीडियो अभी सबके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक असीम पोर्टल के बारे में, जो अभी रिसेंटली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन में इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों को, वो है जॉब्स का, क्योंकि करोड़ों जॉब्स जा चुकी हैं। तो हर एक राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मुहैया कराई जाए, लेकिन उसके लिए लोगों का डाटा कलेक्ट करना जरूरी है ना, कि हमारे राज्य में, हमारे देश में कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयड है वो किस किस कैटेगरी से रिलेटेड है, उनको किस सेक्टर की नॉलेज है, किस सेक्टर में अपनी दक्षता रखते हैं, उसके आधार पर उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, उनका जो एजुकेशन है वो कलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ इस समय सरकार शेयर करना चाह रही है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग इनिशिएटिव लॉन्च किए हुए हैं। वो इनिशिएटिव क्या है, वो सभी हम इस वीडियोज में उन सभी इनिशिएटिव के बारे में बात करने जाएंगे। तो गाइज, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम सी तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइस, मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और जब आप जानते हैं कि कोरोना की स्थिति में सबसे बेटर और सबसे सेफ लर्निंग ई लर्निंग ही है, तो अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। आपको डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप एग्जाम में किस कैटेगरी में तैयारी करना चाहते हैं। उसके बाद जो अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल है, उनके आप डेली लाइव क्लासेस, ठीक है, स्ट्रक्चर कोर्सेस एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन टाइम। तो आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे, साथ में जितने भी वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको पहले से यहाँ पर मिल जाएगी, और जो PDF है सभी लेक्चर्स की, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और दूसरा, अगर आप अनअकैडमी प्लस के लिए एनरोल करते हैं, आप जानते हैं जो प्लस के जो बेनिफिट्स हैं वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, एडवांस तक की, हाई लेवल तक की, तो प्लस के लिए जरूर रजिस्टर कीजिए। वहाँ का जो डिफरेंट जो मतलब एक्सपीरियंस है टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर एक प्लान को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो ये पड़ता है 5400 का, और या फिर आप 2 ईयर का प्लान इनरोल करते हैं तो ये पड़ता है 6480। गाइज, आप इन दोनों में से किसी भी प्लान को एनरोल कीजिए। स्ट्रेट 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड पूछता है, और ये मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKTLive। ठीक है गाइज, चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है असीम पोर्टल। तो इस समय नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एक नंबर ऑफ स्कीम्स या पोर्टल्स को लॉन्च किया हुआ है, जिस पोर्टल में वो अपने राज्य के जितने भी सिटीजन हैं, जो इस समय मतलब जॉबलेस है, उनको जॉब की ज़रूरत है, तो उनसे रिलेटेड डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे राजस्थान ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम था राज कौशल, जिसके तहत राजस्थान के नागरिकों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है कि वो अपनी किस क्षेत्र में दक्षता है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, वो क्या बेहतर काम कर सकते हैं, ठीक है, कितना उनको एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें डाटा शेयर किया जाए। और उसके बाद जो इंडस्ट्री है उनके साथ उस पोर्टल से डाटा शेयर कर दिया जाए, तो जब जिस पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी उसको वो लोग कॉल करना शुरू करेंगे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया जिसका नाम है रोजगार सेतु। अभी महाराष्ट्र में भी लॉन्च किया गया महाजॉब पोर्टल। बंगाल में भी लॉन्च किया गया कर्मभूमि। ठीक है, केंद्र सरकार ने एक और लॉन्च किया था स्वदेश इनिशिएटिव, जिसके तहत विदेश से आने वाले लोगों को डाटा रजिस्टर किया जाएगा। और ये अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने लॉन्च किया दूसरा, जिसका नाम है असीम। तो असीम से रिलेटेड क्या क्या पार्ट है, डाटा है, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज MOSDE, लॉन्च द असीम पोर्टल विच मैप्स द डिमांड ऑफ स्किल्ड वर्कर टू फाइंड अवेलेबल सस्टेनेबल लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी। तो इस जो पोर्टल को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं स्किल डेवलपमेंट एंटरप्राइज के महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस ऐप की मदद से जो भी अनएम्प्लॉयड कैटेगरी पर्सन है, जिनके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन लॉकडाउन की होने की वजह से वो अपने दूसरे एरियाज में, नेटिव लोकेशन में जाकर के मूव कर चुके हैं, आप दूसरे राज्यों में नहीं जा पा रहे, तो उनको इस एप्लीकेशन, इस पोर्टल की मदद से उनको जॉब मिलने के चांसेस डेफिनेटली हाई रहेंगे। ठीक है, इस असीम का मतलब क्या है, तो असीम स्टैंड फॉर आत्मनिर्भर
स्किल्ड इम्प्लॉय इम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है। अच्छा, तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। आत्मनिर्भर स्किल्ड इम्प्लॉय इम्प्लॉयर मैपिंग। असीम इज अवेलेबल एज एन ऑनलाइन पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड एंड मैनेज बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन कोलाबोरेशन विद बेटर प्लेस अ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो ये जो असीम पोर्टल है, ये NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और बेटर प्लेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और इस पोर्टल की मदद से, ठीक है, लोग अपने डाटा को रजिस्टर करके आसानी से जॉब पा सकेंगे, ठीक है। असीम प्लेटफॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो असीम प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, ठीक है। जिसमें क्या करना होगा कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, यानी कि एम्प्लॉयज है, ठीक है, उनको अपने डाटा को प्रॉपर प्रोवाइड करना होगा, एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। इस प्रोफाइल में उन्होंने अपनी सारी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। ये जानकारी किस किस चीज़ें से रिलेटेड हो सकती है, जैसे एम्प्लॉयर पोर्टल, तो अपनी डाटा को अपनी डिटेल्स को पूरा फिल करेगा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस, अपनी दक्षता, किस सेक्टर में उनको कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या ग्रेजुएशन, क्या क्या उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें उनको रजिस्टर करनी होगी। उस प्रोफाइल को यानी कि शेयर किया जाएगा जो अदर अदर डिफरेंट कंपनीज हैं जिनकी मदद से आसानी से जॉब पाई जा सकती है, ठीक है। टू द स्किल्ड वर्कर्स कैन रजिस्टर देयर प्रोफाइल ऑन द पोर्टल और ऐप एंड सर्च जॉब अपॉर्चुनिटी इन देयर सेक्टर एंड लोकेशन। तो आपने देखा, जैसे सरकारीresult.com, सरकारी नौकरी, आपने इंडीड, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे ना, तो देखे भी होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे तो उसी की तरह ये टोटल काम करने वाला होगा। आपने एक डाटा अपना रिज्यूमे बना के सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है, और उन चीज़ों को जो जो भी पर्सन इस समय किसी अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो वो डेफिनेटली इसको सर्च आउट करेगा, और वो जिसको बेटर समझेंगे उसको उसके नॉलेज के आधार पर, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर सामने वाले पर्सन को ये कॉल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हर एक पर्सन ने अपना डाटा रजिस्टर करना पड़ेगा। द पोर्टल कनेक्ट द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिड्यूस द गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द स्किल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन को कहीं पर जाने की ज़रूरत है, मतलब उसको सर्च करने की, कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वो आसानी से अपने मोबाइल की मदद से ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पर अपना डाटा रजिस्टर करके आसानी से जॉब पा सकता है, ठीक है। सो द पोर्टल प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म फॉर द एम्प्लॉयर्स टू एक्सेस द डिटेल ऑफ द स्किल्ड वर्कर एंड फॉर्मुलेट हायरिंग प्लान्स, ठीक है। तो ये जो पोर्टल है, ये सभी के लिए मदद प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए। तो जो जिनके मतलब प्लांट्स में या फिर इंडस्ट्री में किसी पर्सन की ज़रूरत है, तो इस पोर्टल की मदद से वो आसानी से हर एक पर्सन का मतलब ईजिली डाटा चेक कर सकते हैं, जिन लोगों ने भी अपलोड किया है, और अपनी ज़रूरत के अनुसार, नीड के अनुसार, उन सामने वाले पर्सन को कॉल कर सकते हैं। द पोर्टल प्रोवाइड द डाटा ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स ऑफ द वर्कर मार्केट एंड प्रोवाइड द मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी टू द यंग पीपल। तो अभी जो इस समय लोग इसमें अपना डाटा रजिस्टर करने जाएंगे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, क्योंकि जितनी भी कंपनीज के इसमें नंबर रिक्वायरमेंट होगी, उन उन कंपनीज को आसानी से अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, और जहां पर सारी चीज़ें बेटर रहती हैं वहां पर उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो हमने अभी बात की कि अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंटरप्राइज MoSDE, और इसके यूनियन मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा महेंद्र नाथ पांडे, और इसके जो स्टेट मिनिस्टर है उनका नाम है राजकुमार सिंह, ठीक है। तो गाइज, बाकी सभी पोर्टल के बारे में भी मैंने बताया, जैसे राजस्थान में राजकौशल पोर्टल MP में लॉन्च किया गया था, रोजगार सेतु, महाराष्ट्र में महापोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, महाजॉब पोर्टल, और वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया जिसका नाम है कर्मभूमि, ठीक है। तो अभी इसे रिसेंटली इस असीम के बारे में भी पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और कमेंट करके अपने व्यू जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और ये हमारा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, अगर आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोल करते हैं अकेडमी प्लस के लिए, तो अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्ट 10% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।